लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बस इतने दिन में मिलेगी गर्मी से राहत। इस तारीख को आ रहा मानसून जौनपुर। इस साल भी गणना से पीछे हो गया मानसून। मानसून की गणना के मुताबिक आम तौर पर मानसून सत्र 15 जून से ही माना जाता है, इसलिए कि इस स्थिति से काफी बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते इसकी रफ्तार भी धीमी हो गई है। पिछले 3 दशक के मौसम संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से साफ है कि प्रदेश में मानसून करीब 15 से 20 दिन की देरी से आ रहा है। मानसून में हो रही देरी से अब लोग बेचैन करने लगी है। तेज धूप और गर्मी से लोग घरों में दुबक जा रहे हैं और शाम होने के बाद ही घरों से निकल रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि पंखे और कूलर भी लोगों को राहत नहीं दे पा रहे हैं। लोग पेड़ पौधों की छांव में किसी तरह दिन गुजार रहे हैं। बताते हैं कि पहले 7-7 दिनों तक बारिश नहीं रुकती थी। उस दौरान लगातार कभी तेज तो कभी धीमी बारिश होती ही रहती थी। अब तो मानसून के दौरान भी दिन में 3-4 घंटे लगातार बारिश होना बड़ी बात लगती है। विगत कुछ सालों से जुलाई अगस्त के महीनों में कहीं बारिश तो कहीं तेज धूप और कहीं सूखा रिकॉर्ड किया जा रहा, जिसे जानकार जलवायु परिवर्तन का कारण मान रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह तेज धूप व उमस बनी रहेगी। बादल भले दिखाई दे रहे हों, लेकिन 25 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के कारण शहरवासियों का जीना दूभर है। चिलचिलाती धूप व उमस लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। तेज धूप के कारण दोपहर के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी गर्मी से निजात मिलने की संभावना है। तापमान में वृद्धि बनी रहेगी। 25 जून के बाद बारिश का संभावना बन रही है। इसके बाद ही तापमान में गिरावट होगी।